और दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि पूरी तरीका से एक बार फिर राखी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद में प्रीता और अर्जुन एक दूसरे को कहीं ना कहीं आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन की दोबारा हो रही है शादी प्रीता के साथ में, और प्रीता के दिल ने बोल चुका है कि मेरा करण वापस आ चुका है मेरे पास में। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में जोरदार ट्विस्ट आ चुका है। वहीं बात की जाए तो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से पृथ्वी चलेगा एक बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि पृथ्वी को तो आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी कभी भी खाली नहीं रहता, वो अपनी साजिश चलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। और अब पृथ्वी का मानना ये है कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन अगर अर्जुन को गायब करके अर्जुन की जगह मैं सेहरा बांध के बैठ जाऊँ तो मेरी शादी हो सकती है प्रीता जी के साथ में, क्योंकि इधर पृथ्वी अपने सपने सजाए बैठा है और सपने भी इस तरीका से सजा रखे हैं कि प्रीता जी से अगर एक बार शादी होगी तो ये लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन और ऋषभ जीते जी मार देंगे पृथ्वी को, लेकिन प्रीता के करीब नहीं आने देंगे, क्योंकि पृथ्वी इतना ज़्यादा गिरा हुआ आदमी है, इतना ज़्यादा बेकार है, उसे तो पास कर भी नहीं भटकने देंगे। और यही मानना इस समय अर्जुन और सभी लोगों का है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब ऋषभ भी बार बार अर्जुन को गले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब से ऋषभ को लगा है कि ये मेरा करण है, ये मेरा छोटा है, तो वो बार बार वाकई में इस उनकी ममता दौड़ती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई भाई का प्यार बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है। और इस वक्त जो कि एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, इधर देख पाएंगे कि ऋषभ बार बार बोलता हुआ नज़र आएगा कि अर्जुन तुम्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बोल सकते हैं। और वाकई में दोस्तों ऋषभ बहुत प्यार करता है अर्जुन को। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज़ कैसे लग रही है मेरी वीडियो आप लोगों को, और मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।